उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ मंडल सहारनपुर के तत्वाधान में प्रांतीय आह्वान पर प्रदेश के तकनीकी विभागों, निगमों, परिषदों, स्थानीय निकायों में कार्यरत लगभग 27,000 से भी ज्यादा डिप्लोमा अभियंताओं की वर्षों से लंबित समस्याओं का निराकरण न किए जाने के विरोध में आज सहारनपुर के हकीकत नगर में धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की। मांग पूरी न होने की दशा में उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष उपाध्याय है और ये उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ का जो मंडल स्तरीय धरना आज चल रहा है, इसका प्रभारी लखनऊ की तरफ से मुझे बनाया गया है। हमारा जो धरना है या ये कहिए कि सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए ये कार्यक्रम है, सरकार को ये अवगत कराने के लिए कि हमारी कुछ मांगे लंबित हैं। मुख्य मांग जिनमें से जूनियर इंजीनियर्स को 4800 रुपये का ग्रेड वेतन प्रदान किया जाना, पुरानी पेंशन की बहाली, इसके अतिरिक्त 30 लीटर पेट्रोल के मूल्य के बराबर भत्ता प्रदान किया जाना, और चौथी मांग है हमारी, मुख्य मांग जो है वो है कि कर्मचारियों को 7, 14 और 20 वर्ष की सेवा अवधि पर ACP प्रदान किया जाना। इसके अलावा अन्य कई मांगे हैं, तो मुख्य मांगे ही हैं। और अगर सरकार हमारी ओर ध्यान नहीं देती, इस कार्यक्रम के बाद हमारा कमिश्नर साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ज्ञापन प्रेषण का कार्यक्रम है। अगर तब तक सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही तो 8 दिसंबर को हमारा लखनऊ के अंदर बहुत विशाल कार्यक्रम होगा और हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी के उपरांत जो भी कार्यक्रम, संघर्ष कार्यक्रम घोषित होगा, वो कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर क्षेत्र में संचालित करेंगे, लेकिन हम अपनी मांगों को पूरी करा करके ही मानेंगे। हम किसी पत्र में हमारे आज यहाँ सहारनपुर के लोग हैं और सहारनपुर मंडल के अंदर जो हमारे शामली, मुजफ्फरनगर जनपद के साथी लोग हैं, और इसके अतिरिक्त जो हमारे उत्तर प्रदेश के कर्मचारी हरिद्वार जनपद के अंदर पदस्थापित है, वो भी यहाँ पर सम्मिलित हैं। तो आज ही धरना, आज ही स्थगित हो जाएगा? आज 3 बजे तक का है और उसके बाद ज्ञापन प्रेषित करेंगे हम लोग मंडलायुक्त।